हेलो दोस्तों, आई होप यार आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस यहाँ पे मैं ब्लू जोन में उतरता हूँ। गाइस यहाँ पे मैं देखता हूँ एक बंदा। तो गाइस इस बंदे को मैं बहुत गंदे वाला डैमेज करता हूँ। गाइस यहाँ पे मैं इसको मारने की सोच रहा था। तो गाइस इधर पे मैं क्या करता हूँ, क्रोनो का यूज करके जल्दी से इस पे रश कर देता हूँ। गाइस इसको कर देता हूँ मैं डाउन। और गाइस ये स्कोर ना पूरा ग्रैंड मास्टर का स्कोर था, मतलब मैंने इसको जैसे ही खत्म किया तो गाइस यहाँ पे क्या होता है, इसका टीममेट होता है। तो गाइस वो मेरे को बिल्कुल ओपी वाला डैमेज मारता है। एंड गाइस मैं क्या देखता हूँ इधर, भाई सीजन 2 का बंदा, भाई ये मेरे को नॉक कर देता है। गाइस सीजन 2 में देख कर मतलब हैरान हो जाता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, दूसरा बंदा भाई ग्रैंड मास्टर। एंड गाइस तीसरा बंदा रेड क्रिमिनल। गाइस यहाँ पे भाई मतलब एक ग्रैंड मास्टर का पूरा ही स्क्वाड आया हुआ था। एंड गाइस ये मेरे को बहुत गंदे वाले इमोट दिखाने लग जाते हैं। गाइस मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, लेकिन मैं क्या कर सकता था यहाँ पे, भाई मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। भाई इन्होंने मेरे को बहुत गंदे इमोट मारे। तो गाइस इधर पे सिर्फ मैं इनसे रिवाइव होकर बदले ले सकता था, और गाइस बदला मेरे को लेना जरूर था। तो गाइस इधर पे मेरे को बहुत गंदा इमोट मारे थे, और गाइस बहुत गुस्सा भी आ रहा था कि यार करे तो करे क्या। तो गाइस फाइनली मेरे टीममेट मेरे को रिवाइव दे देते हैं। एंड गाइस अभी मेरे को उनसे बदला लेना था। और गाइस यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे मैं एक लड़की को देखता हूँ, गाइस इसको नॉक कर देता हूँ। और गाइस यहाँ पे ना आप लोगों को पता ही होगा, अगर कोई ग्रैंड मास्टर स्क्वाड आपके गेम में पड़ा है ना, तो मतलब आपकी गेम में बहुत से ज़्यादा टाइम नूबड़े ही आएंगे। और गाइस यहाँ पे मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मेरी गेम में भी नूबड़े आ गए थे, क्योंकि गाइस हमारी गेम के अंदर था एक ग्रैंड मास्टर का स्क्वाड। और गाइस आप लोगों को पता, एक दो स्क्वाड ही अच्छा होता है ग्रैंड मास्टर की लॉबी में, बाकी सब नूबड़े ही होते हैं। तो गाइस इधर पे मैं एक और बंदे को किल कर देता हूँ। एंड गाइस मेरे को उनसे बदला लेना था कैसे भी। तो गाइस अभी हमको उनको मारना था, तो गाइस इसलिए मैं पूरा रश करके खेल रहा था, ताकि मैं उनको कहीं पे भी ढूंढूं तो उनको मार दूं। तो गाइस यहाँ पे मैं पूरा का पूरा स्क्वाड अपना इधर की तरफ लेके आ जाता हूँ, ताकि मैं स्क्वाड की हेल्प लेके उसको मार सकूं। लेकिन गाइस सीन कुछ ऐसा होता है कि भाई यहाँ पे ना एक बंदा होता है, एंड गाइस ये बंदा ना बहुत गंदा वाला डैमेज मारने लग जाता है मेरे टीममेट को। तो गाइस इधर पे आके मैं इसको मार देता हूँ एंड पूरा क्लियर कर देता हूँ। तो गाइस अभी भी मेरे को यहाँ पे रेड क्रिमिनल देखने को नहीं मिला। तो गाइस मैं ना ऐसा करता हूँ कि भाई जिधर से उनको ने मेरे को मारा था ना, मैं उधर की तरफ ही जाने का ट्राई करता हूँ। तो गाइस हम उनको मारने जाएंगे, उससे पहले मैं आप लोगों को एक बेस्ट लाइव स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ, जिसमें आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को भी अच्छे से ग्रो कर सकते हो। इसमें आप लोग 1080p पे बिल्कुल फ्री लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे आप लोग मल्टीपल लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, मतलब एक ही टाइम पे काफी प्लेटफॉर्म पर आप लोग लाइव कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास एक एंड्रॉइड फोन है, तो आप लोगों का इंटरनल वॉइस और आप लोगों के टीममेट का दोनों का वॉइस आप लोगों को लाइव पे सुनने को मिलेगा। मतलब लाइव करते टाइम आपके गेम के साउंड की और आपके टीममेट की दोनों की आवाज आप लोगों को लाइव में सुनने को मिलेगी। इसके अंदर आप लोग टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कस्टम थंबनेल्स भी अपलोड कर सकते हो। और इसके अंदर आप लोग लाइव स्ट्रीम कर सकते हो, वो भी फेस कैम के साथ। और इसके अंदर आप लोगों को बहुत सी ओवरलेस देखने को मिल जाएंगी। और इतना ही नहीं, अगर आप लोगों को सब्सक्राइब करेगा और आप लोगों को डोनेशन देगा, तो यह आप लोगों को अलर्ट कर देगा। गाइस इसके अंदर लैग का कोई भी इशू नहीं है, मतलब लैग तो होता ही नहीं है। और गाइस ये मेड इन इंडिया है, 100% ट्रस्टेड है। और गाइस इसका सबसे बेस्ट फीचर मेरे को क्या लगा, आप लोग ना मतलब अपने टीममेट के साथ बात कर सकते हो, और आप लोगों की गेम की साउंड भी आप लोगों को लाइव स्ट्रीम पे सुनने को मिलेगी। तो गाइस देरी किस चीज की कर रहे हो, नीचे आप लोगों को इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस जाओ और डाउनलोड कर लो। तो गाइस उधर पे बंदे वगैरह किल करने के बाद हम इधर पे ऑब्जर्वेटरी की तरफ बढ़ रहे थे, क्योंकि गाइस मेरे को लग रहा था कि वो ग्रेवयार्ड से अगर इधर की तरफ आ गए ना, तो हमको बीच में ही देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस इधर पे एक बंदा देखने को मिलता है। एंड गाइस उसको मैं बहुत गंदे वाला मतलब एक शॉट देता हूं, और गाइस वो बंदा ना मतलब कवर में चला जाता है। एंड गाइस उस बंदे को मैं कर देता हूं फाइनली नॉक, वो भी क्रोनो यूज करके, मतलब ब्रह्मास्त्र है अपने पास भी एक। तो गाइस मेरे को लग रहा था कि भाई यहां पे ना कहीं ना कहीं से भी आ जाए रेड क्रिमिनल, तो गाइस वहां पे कोई भी नहीं आता। तो गाइस यहां पे मैं फाइनली ग्रेवयार्ड पे पहुंच जाता हूं। गाइस मेरे को लग रहा था कि भाई यहां तो जरूर मिलेंगे। तो गाइस इधर पे मैं एक बंदे को इसको भी मैं आके क्लियर कर देता हूँ, लेकिन गाइस इधर पे भी वो बंदा नहीं होता। मतलब यार वो बंदे पता नहीं गए तो गए कहाँ। पर गाइस यहाँ पे मेरे साथ एक बहुत गलत वाला सीन होने वाला था, आप लोग उसको देखकर ना हैरान हो जाओगे। मतलब गाइस वो बंदे मेरे को दोबारा से मिलेंगे, एंड गाइस वो मेरे को दोबारा से इमोट दिखाएंगे। तो गाइस यहाँ पे फिर मैं हंगर की तरफ चला जाता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे सोच रहा था कि भाई हंगर पे तो मेरे को वो स्क्वाड 100% मिलेगा। तो गाइस इधर पे मेरे को एक स्क्वाड देखने को मिलता है, तो गाइस मैं उसको डैमेज देना स्टार्ट कर देता हूँ। एंड गाइस उसके एक बंदे को डाउन भी कर देता हूँ। तो गाइस उसका ना बंदा वहाँ पे वॉल लगा लेता है, एंड गाइस उसको बचा लेता है। तो गाइस इधर से मैं उसके ऊपर नेट डालने का ट्राई करता हूँ। एंड गाइस इधर पे बहुत ज्यादा फनी वाला सीन हो जाता है, मतलब वो नेट उसकी वॉल का लगकर वापस आ जाता है। एंड गाइस यहाँ पे मैं ही नॉक हो गया होता, तो गाइस इधर पे मैं वॉल लगा के अपने आप को कवर करता हूँ एंड अपने आप को बचाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे ये बंदे थोड़ा पीछे की तरफ चले जाते हैं। एंड गाइस यहाँ पे भाई मेरे को मार ही दिया होता, क्योंकि गाइस मेरे को लग रहा था कि वो वॉल के पीछे है, लेकिन गाइस वो बंदे थोड़ा पीछे जाके मेरे को मारने का ट्राई कर रहे थे। तो गाइस यहाँ पे भाई मैं उसको वॉल तोड़ता हूँ, लेकिन गाइस वो बंदा दूसरी वॉल लगा लेता है, मतलब बहुत तेज था। गाइस यहाँ पे मेरे को इनके हाथों मरना नहीं था, क्योंकि गाइस मेरे को लेना था बदला। और गाइस बदला तो आप लोग को पता है भाई लेना जरूर था, क्योंकि गाइस उन्होंने मेरे को बहुत गंदे वाले इमोट दिखाए थे। और गाइस यहाँ पे मैं जल्दी से ऊपर की तरफ चला जाता हूँ। गाइस वो बंदा मतलब होता भी ठीक है, लेकिन गाइस वो नूबड़ा भी होता है, क्योंकि गाइस मैं जब ऊपर आ रहा था उसने भाई मेरे को डैमेज ही नहीं दिया। तो गाइस इधर पे मैं क्या देखता हूँ, भाई मेरे साइड वाले ना
जो ये क्या बोलते हैं गैराज है, इसके ऊपर भाई एक और बंदा है। तो गाइस मैं उसको मारने का ट्राई नहीं करता, क्योंकि गाइस मेरे को भाई अभी रिस्क नहीं लेना था। पहले मैं उस बंदे को मारने का ट्राई करता हूँ जो मेरे को पहले डैमेज दे रहा था। इधर से मैं उसके पीछे भाग रहा था, तो गाइस मैं सोच रहा था कि भाई वो बंदा ना इधर से भाग जरूर रहा है, तो गाइस वो पूरा पीछे से घूम के जाएगा। तो गाइस मैं यहाँ पे ऊपर चढ़ जाता हूँ ताकि मैं उसकी अच्छे से लोकेशन का पता कर सकूँ। तो गाइस इधर पे मैं क्या देखता हूँ भाई, मेरे को वो बंदा कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता। तो मैं सोचता हूँ कि भाई वो अपने टीममेट्स को रिवाइव दे रहा होगा, तो वो टीममेट्स को भी रिवाइव नहीं दे रहा था। लेकिन गाइस वो मेरे को बिल्कुल आगे की तरफ भागता हुआ दिखाई दे देता है। तो गाइस यहाँ पे आप लोग ये देखो कि भाई वो बंदा ना यहाँ से भाई आपने को बिल्कुल आसानी से दिखा है। तो इसके बाद में जैसे यहाँ पे वो बंदा भी देखने को नहीं मिलता, तो दोस्तों वो बंदा हमको पूरा चकमा देके भाग जाता है। तो गाइस हम आते हैं यहाँ पे सीधा भीमा शक्ति पे, एंड गाइस यहाँ पे भीमा शक्ति पे मैं अकेला आता हूँ, एंड गाइस मेरा एक टीममेट और होता है। तो गाइस यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, राइट साइड से ना एक गाड़ी आ रही है। तो गाइस इस गाड़ी को मैं जैसे ही देखता हूँ, तो गाइस इधर मैं पीछे से इसको मारना ट्राई कर देता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे भाई इसको एक हेड भी लगता है 73 का। लेकिन गाइस यहाँ पे भाई बहुत गलत सीन होने वाला था मेरे साथ। तो गाइस यहाँ पे मैं दोबारा से इसके पीछे मतलब रश करने के लिए जाता हूँ। एंड गाइस ये बंदा पता कौन था, ये बंदा था सीजन 2 का एलाइट पास। तो गाइस यहाँ पे ये बंदा मेरे को डैमेज देके बिल्कुल भाग जाता है। एंड गाइस यहाँ पे भाई मैं इसको एक शॉट देता हूँ, भाई यहाँ पे जल्दी से वॉल लगाता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे भाई मैं रीलोड पे ले लेता हूँ गलती से शॉटगन को, और गाइस ये बंदा ना बच जाता है इधर पे। तो गाइस इधर पे मैं जल्दी जल्दी से इसको देखता हूँ कि भाई वो बंदा इधर की तरफ आ गया है, तो यहाँ पे मैं एक वॉल लगाता हूँ। तो गाइस इधर पे ये क्या दिमाग लगाता है, मतलब क्रोनो यूज करके मार देता है यार। ये क्रोनो ने दिमाग खराब करके दो बार इन्होंने मेरे को मारा, दोनों बार मतलब इन्होंने क्रोनो व्रोनो का यूज करके ही मारा। और गाइस यहाँ पे फिर मेरे को ये इमोट दिखाने लग जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे फिर से रेड क्रिमिनल मेरे को इमोट दिखाते हैं, दोनों बंदे मेरे को इमोट दिखा रहे थे। और गाइस यहाँ अपने टीममेट को भी बुलाते हैं कि भाई जल्दी जल्दी से आए और इसको इमोट दिखाना है। तो गाइस इधर से ये तो इमोट दिखा रहे थे, चलो ये तो ठीक था। तो गाइस यहाँ पे अपने टीममेट्स को भी बुला रहे थे कि भाई जल्दी, हमने ब्लू क्रिमिनल को नॉक कर रखा है। तो गाइस इधर से इसके टीममेट जल्दी जल्दी से आते हैं। एंड गाइस इसका टीममेट था ना जो, वो भी आते भाई मेरे को इमोट दिखाने वाला था। और गाइस ये बंदा ना जिसको मैंने पहले नॉक किया था ना, वही बंदा था। और गाइस ये ना ग्रैंड मास्टर प्ले था। और गाइस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से रिवाइव हो जाता हूँ दोबारा से। तो गाइस यहाँ पे मेरे टीममेट मेरे को रिवाइव कर देते हैं। एंड गाइस अब मेरे को ना इनसे बदला लेना था, कैसे भी करके इनसे बदला लेना था। और गाइस यहाँ पे भाई मेरे टीममेट भी भाई मेरे जिंदा थे पूरे के पूरे, मतलब पूरा स्क्वाड ही जिंदा था मेरा। मतलब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी थी पूरी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं उसे। तो गाइस इधर पे मैं एक बंदे को नॉक कर देता हूँ। एंड गाइस इधर पे मैं ना जल्दी जल्दी से लूट वगैरह कर लेता हूँ। गाइस मेरे पास हो जाती है 13 वॉल्स। तो गाइस अब मेरे को लग रहा था कि भाई मेरा बदला पूरा हो जाएगा। और गाइस यहाँ पे मेरे को ये भी लग रहा था कि भाई जोन छोटा हो रहा है और अब मेरे को वो मिलने वाले हैं, और जैसे वो मेरे को मिलेंगे मैं उनको नॉक करूंगा और इमोट दिखाऊंगा। लेकिन गाइस यहाँ पे बहुत गंदे वाला सीन क्या होता है, यहाँ पे भाई मैं सामने एक बंदा देखता हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैं उसको डैमेज देना स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन गाइस वहाँ पे पूरा स्क्वाड ही होता है अगर देखा जाए तो यहाँ पे भाई मैं उसको क्रोनो तोड़ने लग जाता हूँ। वो बंदा ना ऊपर की तरफ भाग जाता है। तो यहाँ पे उनको मैं बहुत बुरे वाला डैमेज देता जा रहा था। और गाइस यहाँ पे मैं फाइनली एक बंदे को नॉक कर देता हूँ। और गाइस यहाँ पे उसको कर देता हूँ मैं जल्दी से क्लियर। तो गाइस यहाँ पे फाइनली मेरा एक किलो जाता है। और गाइस मेरे को ना लेफ्ट साइड से बहुत गंदे वाला डैमेज पड़ता है। तो गाइस यहाँ पे मैं जल्दी से वॉल लगा लेता हूँ। एंड यहाँ पे भाई आप लोगों को ना वो भी बंदे देखने को मिलने वाले हैं, मतलब आप लोगों को अभी बहुत मजा आने वाला है। मैं आप लोगों को सीधा उन्हीं बंदों के पास लेके चलने वाला हूँ अभी। तो गाइस यहाँ पे पहले मैं उस बंदों को मारने का ट्राई कर रहा था जो गाइस मेरे को लेफ्ट साइड से मार रहे थे। तो गाइस इधर पे मैं उसको बहुत गंदे वाला डैमेज देता हूँ, वो भी क्रोनो यूज करके। और गाइस यहाँ पे मेरी हेल्थ बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है, मतलब हद से ही ज्यादा। तो यहाँ पे इन हीलर्स के साथ मैं अपने आप को हील कर लेता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे साथ में मैं बोन फायर भी लगा लेता हूँ, मतलब है ना मेरा दिमाग। तो गाइस यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी से अपने आप को हील करता हूँ। एंड गाइस अभी ना मेरे को आगे की तरफ भागना था। एंड गाइस मैं यहाँ पे घूम के ना यहाँ पे पोचिनोक पे आ जाता हूँ। एंड गाइस यहाँ पे मैं क्या देखता हूँ, यहाँ पे भाई एक बंदा था ना जो सीजन 2 का, तो गाइस उसको देता हूँ बिल्कुल ओपी वाला हेडशॉट। एंड गाइस इसको कर देता हूँ क्लियर। इमोट दिखाने का तो मेरे को इसको मौका नहीं मिला। तो गाइस इधर से ना एक वो मतलब बंदा मेरे को मतलब दोनों साइड से गोलियां पड़ रही थी। एंड यहाँ पे भाई मैं दूसरे बंदे को भी डाउन कर देता हूँ रेड क्रिमिनल को। तो गाइस इधर पे भी मैं इमोट नहीं दिखा सकता था क्योंकि गाइस यहाँ पे भाई मेरे पास वॉल नहीं था। एंड गाइस मेरे पास मेडिकेट भी नहीं थी, सिर्फ यही मेडिकेट थी। एंड यहाँ पे मैं बोन फायर भी यूज कर लेता हूँ। एंड गाइस मेरे पास वॉल भी नहीं था, सबसे बड़ी दिक्कत थी वॉल नहीं था। तो गाइस इधर पे मैं इस बंदे को भी कर देता हूँ खत्म जो कि एक ग्रैंड मास्टर प्लेयर था। तो गाइस इधर मैं इमोट दिखाने का ट्राई कर रहा था, लेकिन गाइस मेरे को अभी ये था कि भाई इनको इमोट दिखाना चाहे मैं मर ही क्यों ना जाऊँ। तो गाइस इधर मैं बिल्कुल ओपन में इसको इमोट दिखाने का ट्राई कर रहा था। एंड गाइस इधर पे मैं इमोट दिखा भी देता हूँ, लेकिन गाइस उतना अच्छे से नहीं दिखा पाता क्योंकि सामने बंदे होते हैं। एंड गाइस यहाँ पे भाई मेरे पास कुछ भी नहीं होता, मतलब यार कुछ भी नहीं होता लॉन्ग रेंज का, सिर्फ शॉर्ट रेंज का होता है। क्योंकि गाइस यहाँ पे मैं दोबारा से रिवाइव होकर आया था, मेरे को ना मतलब पूरा सुकून मिल जाता है इनको नॉक करने के बाद। एंड गाइस यहाँ से मैं अपने टीममेट से मांग रहा था AWM की, भाई मेरे को AWM दे दे, मैं उनको मार दूंगा। तो गाइस यहाँ पे भाई मेरी हेल्थ भी नहीं है अगर आप लोगों को देखा जाए तो यहाँ पे मैं थोड़ा आगे की तरफ बढ़कर क्रोनो यूज कर लेता हूँ। एंड गाइस कुछ भी नहीं सोच रहा था, अब तो मैं सोच रहा था कि भाई अब तो मर जाऊं तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 15 की तो हेल्थ है और गाइस मेरे पास कुछ भी नहीं है तो कैसे उनके साथ लड़ूंगा। तो गाइस यहाँ पे भाई फाइनली मेरे को मार ही देते हैं। तो गाइस आप लोगों को वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बता देना। एंड गाइस मैं भी मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, टेक केयर, टाटा, एंड खुश रहो, सलामत रहो, और देखते रहो यार काल वाई टीवी। रुको रुको रुको, सब्सक्राइब करके जरूर चले जाना यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो तो बाय।